हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय ट्यूब चैनल। मेथी को सबसे पहले छांट लेते हैं। सिर्फ मोटी डंडी को तोड़ना है, अच्छे से छांट कर पानी से खूब अच्छे से वॉश करना है। मेथी को काटना बहुत आसान है, ये नाइफ से बहुत आसानी से कट हो जाती है। मेथी बनाने के लिए हम एक कुकर लेंगे। कुकर में कटी हुई मेथी डाल देंगे। मेथी में मिक्स करेंगे 2 स्पून प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, 1 स्पून मिर्च पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून नमक। नमक मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। मेथी में 1 सीटी लगा देते हैं। हमने मेथी में बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। धुली मेथी होने के कारण थोड़ा पानी रह गया है, उसी से मेथी गल जाएगी। मेथी में हम डालेंगे काली दाल। काली दाल डालकर मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हमने 1/2 किलो मेथी ली है, इसमें 250 ग्राम दाल ऐड करेंगे। दाल को 10-15 मिनट के लिए भिगोकर रख देते हैं। सीटी लग चुकी है, कुकर का प्रेशर पूरा हो चुका है। कुकर खोलकर देखते हैं। मेथी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मेथी में मिक्स करेंगे काली दाल। दाल मेथी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस स्टेज पर नमक मिर्च टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर हल्का लगे तो और मिला सकते हैं। दाल के साथ थोड़ा बहुत पानी डल गया है, हमने इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं किया है। अब कुकर में 1 सीटी लगने के बाद 5 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। लीजिए, मेथी दाल तैयार हो चुकी है। छौंक लगाने के लिए हमने फ्राई पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऑलरेडी गर्म कर रखा है। इसमें डालेंगे साबुत धनिया, 2-3 लाल मिर्च। छौंक तैयार करने में 1 सेकंड लगा है। दाल मेथी में छौंक लगा देते हैं। कितनी जल्दी मेथी दाल तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगती है। ये चावल की रोटी और गेहूं की रोटी के साथ तो अच्छी लगती है, बट दाल मेथी के पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।